अपने गुणों के कारण मिथिला का मखाना अब देश विदेशों तक पहुंच चुका है। इसमें इतनी सारी पोषण तत्व होती हैं जो एक व्यक्ति को हमेशा स्वस्थ रख सकता है। यही वजह है कि मिथिला का मखाना अब विदेशों के थालियों तक पहुंच चुका है और इसे GI टैग भी मिल गया है। दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा भी मिल गया है। यहाँ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार बताते हैं कि मिथिला के मखाने में इतनी पोषण तत्व होते हैं जो हर बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को तैयार कर देता है। इसमें खास बात यह भी है कि बांझपन के लिए भी यह औषधीय रूप में कार्य करता है। साथ में बहुत सारी सूक्ष्म पोषण तत्व भी इसमें मौजूद होते हैं, जैसे जिंक और आयरन प्रचुर मात्रा में इसमें पाया जाता है। देखिए, मखाना अपने औषधीय गुणों के कारण, इसमें पाई जाने वाली पौष्टिकता के कारण पूरे विश्व में इस समय सुपर फूड के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। इसमें बहुत तरह के औषधीय गुण होते हैं, इसमें बहुत सारी पौष्टिकताएं होती हैं, मिनरल्स की काफ़ी प्रचुरता है इसमें, सूक्ष्म पोषक तत्व तो जैसे जिंक, आयरन, इन सबों की काफ़ी प्रचुरता होती है। इसके अलावा अन्य जो मिनरल्स हैं, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन चीज़ों की इसमें प्रचुरता होती है। औषधीय गुणों की बात करें तो एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी इसमें देखा गया है, स्पर्मेटोजेनिक प्रॉपर्टी भी है इसमें, जो बांझपन की समस्या से निजात दिलाने में मदद करती है। इसके अलावा मोटापे की समस्या के लिए, या इसमें फैट बहुत कम है, सोडियम की मात्रा काफ़ी कम है, जो उच्च रक्तचाप वाले लोग हैं वो भी सुगमता से इसका सेवन कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें इसके औषधीय गुणों का प्रभाव देखा गया है। तो मखाने की खेती का विस्तार इस समय देशव्यापी चल रहा है और निश्चित रूप से इसके प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में भी काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है और इसका फायदा हमारे किसानों को, हमारे भारतीय किसानों को निश्चित तौर पर मिल रहा है।